संविधान चौक है यहाँ पर, देखिए आज बाबा साहब का धम्म दीक्षा लिया गया था, इसी में आए हैं, जो अशोक विजय दशमी के नाम से जाना जाता है। और इस धम्म परिवर्तन के दिन लाखों लाखों या कई लाख अभी तक आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए समता सैनिक दल के सभी लोग हैं यहाँ पर, अभी इन्हीं के लोगों द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नागपुर में हैं, ये देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है समता सैनिक दल को। ये आप देखिए कैसे समता सैनिक दल के लोग हैं, जो नीली टोपी, सफ़ेद साड़ी और नीला ब्लाउज इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, काफ़ी महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है यहाँ पर। अभी जो पैदल मार्च निकाला गया है युवाओं का था, वो काफ़ी युवा थे जो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेकर के उन्हें परेड किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। यहाँ पर देखिए सामाजिक संगठन के द्वारा बैनर लगाया गया है, यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा बैनर लगाया गया है, बनाया गया है, लिखा गया है यहाँ पर देखिए 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ। हम ले चल रहे हैं यहाँ पर जो संविधान चौक के नाम जाना जाता है यहाँ पर, और देखिए बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। और यहाँ पर महार चौदार का ये तालाब का दृश्य है, बनाया गया प्रतिमा है, कितने लोग थे, काफ़ी संख्या में थे, कुछ ऐसे लोगों का प्रतिमा यहाँ बनाया गया स्थापित है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत का संविधान सौंपते हुए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, और ये हमको लगता है ये विधानसभा में, अच्छा बौद्ध धम्म दीक्षा का ये फोटो बनाया गया नमूना प्रतिमा है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर, और भी यहाँ पर प्रतिमा है कई इसमें, और हम आपको ले चल रहे हैं थोड़ा सा ये यहाँ पर बाबा साहब का एक संबोधन है, यहाँ पर प्रतिमा बनाया गया है, पेड़ के छांव से थोड़ा कम आ रहा है सब द्वारा किसी, ये बाबा साहब जो है। और यहाँ पर बहुत भिक्षु चंदनी जी हैं, रमाई माता रमाई जी हैं, ये आप देख सकते हैं। आप देखिए संविधान चौक नागपुर, ये हम ले चल रहे हैं अब आगे और आपको दिखाएंगे। हिंदी में लिखा, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण संप्रभुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एडेप द्वारा इस संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। इंग्लिश में लिखा गया है आप देख सकते हैं, और संविधान चौक का नामकरण कराने में ये आप देख सकते हैं जिन लोगों का नाम है, ये संविधान चौक है लिखा गया है आप देख सकते हैं, यह है नागपुर संविधान चौक। ये देखिए
भारतीय रिजर्व बैंक के बगल में बना हुआ है, ऊपर से मेट्रो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आना जाना लगा हुआ है। ये हम ले चल रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।